गोविंदपुर विग स्कूल के प्रबंधक द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए जाने के मामले पर झारखंड युवा मोर्चा ने जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त करने की मांग प्रशासन से किया। झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बवन रॉय समेत दर्जनों कार्यकर्ता गोविंदपुर खगड़ी पड़ा मौजा में पहुंचे और विग स्कूल प्रबंधक द्वारा सरकारी जमीन को किए गए अतिक्रमण को देखा और जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त करने की मांग किया और गोविंदपुर थाना प्रभारी से भी मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो ठमलों के सक्रिय कार्यकर्ता हैं बिमलेश जी और मुन्ना जी, उन पे बिग स्कूल प्रबंधन ने मैंने चोरी का रंगदारी का केस किया है जो सरासर गलत है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बिग स्कूल ने जो गैरकानूनी तरीके से अनावाद बिहार सरकार की ज़मीन को घेरा है, जहाँ बच्चे खेलते थे, गोविंदपुर वासियों का अपना क्रिया मैंने कोई भी कार्यक्रम होता था वहाँ गेट को ईंटा से जुड़वा दिए हैं और बेवजह इन लोगों को रंगदारी के ऊपर केस किए हैं। हम लोग इसके संदर्भ में एसपी साहब से डीसी साहब से मांग करेंगे और इस पर जो फर्जी मुकदमा किए हैं उसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई का मांग करेंगे कि उसको पहले सबसे पहले अतिक्रमण हटवाया जाए और बिग स्कूल पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसके प्रबंधन पर। झारखंड युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बवन रॉय ने कहा कि विग स्कूल प्रबंधक द्वारा जो सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया गया है उसे अविलंब जिला प्रशासन मुक्त करे। वहीं झामुमो पार्टी के दो कार्यकर्ता के ऊपर झूठा और फर्जी मामला दर्ज करने वाले के ऊपर कार्रवाई हो। विग स्कूल के जो भी संचालक है वो हमारे किसी भी वक्त कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। ये मैं प्रशासन को और जिला के वरीय पुलिस पदाधिकारी को हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए, क्योंकि मैं सरकार के सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मांग कर रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं, आम आदमी आम ग्रामीणों के लिए मांग कर रहा हूं। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा कि हमने सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त करने का मांग प्रशासन से किया है, वही इन लोगों से मेरे जान को खतरा भी है, इसलिए प्रशासन मुझे सुरक्षा मुहैया कराए। जमशेदपुर से P3 न्यूज़ झारखंड के लिए शिवशंकर साह की देखे एक रिपोर्ट।